आज हम जा रहे हैं अपना कार का व्हील अलाइनमेंट करवाने और यहाँ पे अपने व्हील की बैलेंसिंग भी करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग देखिए, ये जो है ये व्हील अलाइनमेंट मशीन है, ये सामने आपको सेंसर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो जैक होता है उससे हम इसको ऊपर करते हैं, हाइड्रोलिक जैक है, इससे हम लोग इसको ऊपर करेंगे। और जब ये ऊपर हो जाएगा तो आपके पास जो भी मान लीजिए कि रिंच वगैरह है उससे आप खोल लीजिए, तो उससे आप लोग खोल लेंगे और चारों चक्कों को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास एयर गन मशीन है तो इससे ये लोग ओपन कर रहे हैं। तो ये ओपन कर लिए, बारी बारी से चारों व्हील को इन्होंने ओपन कर लिया। उसके बाद हम इसको ले गए हैं बैलेंसिंग व्हील के लिए, हाफ मैन बैलेंसिंग मशीन पे। हाफ मैन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये मशीन उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था। तो बैलेंसिंग मशीन पे ले गए और इसको हम उसमें जो बिट लगी हुई थी अलग अलग वेट को, उसको हम बाहर निकाल लिए पहले। इसके बाद हम चेक करते हैं कहीं बैलेंसिंग मशीन में लगा तो नहीं ना है। इसके बाद यहाँ पे रन करवाता है और यहाँ पे अचानक उसमें रुक जाता है। उसके बाद देखते हैं उसमें दिखा, मतलब आउटसाइड में कितने वेट का आपको पॉइंट लगाना है और कितने का बाहर लगाना है, कितने का अंदर लगाना है, उसमें वो बताता है। तो उसमें उस हथौड़े से उसमें लगा के ठोक देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आया। तो अगर वहाँ मशीन में 00 शो कर रहा है, अगर मशीन में 00 शो करेगा तो समझ लीजिए कि आपका जो व्हील बैलेंस हो चुकी है। अदरवाइज अगर वहाँ पे वेट शो करेगा तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं उतनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मतलब ये मतलब इन और आउट में उसका वेट बराबर तो है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं आउट की तरफ ज़्यादा वेट है, भारी है, और कहीं अंदर की तरफ कम वेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मशीन में 00 दिख ही रहा है आप लोग को, तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं और नई वेट को लगा देते हैं, जो वेट बताते हैं उस हिसाब से रन करा दिए। अब वहाँ पे जितना पे, और फिर हम वापस उसमें कार में कस देंगे, इस तरह बैलेंसिंग हो जाती है। और ये आप लोगों को करवा लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग टाइम टाइम पे करवाते रहना चाहिए, नहीं तो आपके सस्पेंशन जो होते हैं वो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं और गाड़ी की बैलेंसिंग ना सही होने के कारण आपका जो स्टीयरिंग है वो भी सही से काम नहीं करती है। ये क्या है? तो अब हम लोग चलते हैं, व्हील बैलेंस तो हो गया है, लग भी गया है, और अब हम लोग व्हील अलाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। व्हील अलाइनमेंट में हम तीन तरह की बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे कैम्बर, कैस्टर और टो इन टो आउट, इसके बारे में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आपके सामने जो लगा रहे हैं ये लोग, ये सेंसर है। इसी सेंसर को हम चारों व्हील में फिक्स कर देंगे और ये मशीन से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो बताता है कि ये जो व्हील है वो एक्चुअल में किस स्थिति में है, क्या इसमें कैम्बर है, कैस्टर है, कितना हमें इन, देखो अलग अलग जो कारें होती हैं, अलग अलग जो गाड़ियां होती है उनके व्हील अलाइनमेंट वो कंपनी बता देती है पहले से कि इसमें इतने पे आप सेट करेंगे तो सही है। तो उसी डेटा को ये लोग मतलब यूज करते हैं। तो ये सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर चारों व्हीलों में लगा दिए, फिर हम मशीन पर चलते हैं। तो ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे माउस से ये लोग क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेते हैं, गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें उसकी एक्चुअल पोजीशन बताने लगता है कि व्हील की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के तुल की तरफ से वो फ्रंट वाला है, ठीक है, और रेयर वाला कौन सा है वो उसके हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं व्हील को। और जब व्हील सिलेक्ट हो जाता है
देखिए, और उसको स्टेयरिंग घुमा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसमें बताया जा रहा है कितना क्या है। ठीक है, तो सब चीज़ को सही पोजीशन पे लेके आते हैं। उसके बाद ये लोग कैम्बर, कैस्टर और टो को, टो इन टो आउट को, मतलब ये सही करने की कोशिश करते हैं। ये इंडिविजुअल हर व्हील को चेक करते हैं कि ये कितने डिग्री पे ये मतलब एंगल झुका हुआ है, कितने डिग्री पे जो व्हील है वो टिल्ट है या झुकी हुई है, ये सब उसमें चेक करते हैं। और फिर ये लोग देखिए, यहाँ पे पता चल गया कि कितने डिग्री पे कौन सी व्हील है और कितने इसको चाहिए होगी। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो व्हील है जो रेड कलर की है उसमें वो गलत पोजीशन में है, तो गलत पोजीशन में है मतलब ये नीचे जाएंगे और उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब सारे ग्रीन हो जाएंगे मतलब कि ये सब चीज़ सही हो गया है। इसमें देखिए एक इंडिकेटर सुई लगी हुई है ना, तो वो क्या होती है, वो घूमती है। आज जब सही सब लोग सही पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाती है। कैम्बर पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, कैस्टर देखते हैं। कैस्टर होता है इंक्लिनेशन ऑफ स्टीयरिंग एंगल, और टो टो इन और टो आउट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि जब ये गाड़ी चलती है तो वो सही तरह से बैलेंस रहे और सही तरह से उसका स्टीयरिंग काम करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका व्हील अलाइनमेंट सही रहे। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक प्रिंट दे देते हैं, जो भी मतलब हमारा ये सही कर देते हैं, उसके बाद प्रिंट दे के दे दिए सही।